शुरुआत हम करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो है योगा फॉर माय हेल्थ के अंदर इम्यून सिस्टम के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो पेंडेमिक है इसमें से भी लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम क्या है, योग के माध्यम से इसे कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाली हैं आज आकांक्षा मित्तल, जो कि विश्व भारती शांति निकेतन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ योगा वहाँ पे वो कार्यरत हैं। तो हमारे साथ जैसे ही हमारी आकांक्षा मैम आज की अतिथि जुड़ती हैं, लिव होलिस्टिक के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि लिव होलिस्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम प्लस योगा थेरेपीज और बहुत सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज हम लोग करवाते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ आज हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम पर। कुछ ही समय में हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आकांक्षा मैम नहीं जुड़ पा रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी 5 चीज़ों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन मॉडर्न एरा में क्या हो गया है कि हम लोग इतने रियलिस्टिक हो गए हैं कि हमें हर चीज़ इस प्रेजेंट सिनेरियो में हर चीज़ हमें खरीदनी पड़ रही है। लाइक हमें ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, हमारे पानी भी आ रहा है वो हमें पैसे दे के आ रहा है, हमें हर चीज़ खरीदनी पड़ रही है। और धीरे धीरे हम क्या हो रहा है कि जो रियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा होके हम इन चीज़ों में कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इम्यून सिस्टम के क्या क्या सिम्टम्स है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं बट नहीं समझ पाते कि उनका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर क्यों है, तो उसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्यून सिस्टम की शुरुआत अगर समझे कि कहाँ से हो सकती है, तो वो हम सिम्टम से देख सकते हैं। जो जनरल आदमी है जो नहीं जानता बायोलॉजी के बारे में या सिस्टम के बारे में नहीं जानता, उसे कैसे पता चलेगा कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को थकान बहुत जल्दी होती है, थोड़ा सा काम करके वो थक जाता है, तो दैट मीन्स कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर कोई आदमी है वो जैसे कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, अभी गर्मी से एकदम से बारिश का मौसम आया है, तो वो अगर बीमार हो रहा है, उसे कोल्ड हो रहा है, फीवर आ रहा है, जल्दी जल्दी थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ा सा भी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है या फिर मौसम चेंज होता है, तो अगर वो बीमार हो रहा है इट मीन्स कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है योग के माध्यम से हम कैसे इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। हमारे साथ मैम नहीं जुड़ पा रही हैं, कुछ इश्यू है, तो वो अभी एक दो मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। हेलो हेलो एवरीवन, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आयुर्वेदिक योगिनी मनीषा मैम। हेलो मनीषा मैम। हेलो सुषमा मैम। भी कुछ ही समय में जुड़ने वाली हैं। लिव होलिस्टिक के माध्यम से आज बहुत सारे हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि सचिन है, रिया जी हैं, हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी आज जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जी हैं। तो मैं इन लोगों को बता दूं जो लिव होलिस्टिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि लिव होलिस्टिक वेलनेस एक कंपनी है जिसके माध्यम से हम लोग योग के लिए काम करते हैं। हमारा जो अप्रोच है वो थेरेपेटिक अप्रोच है कि कोई भी पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए किस तरह से योग को थेरेपी के फॉर्म में दिया जा सके। अब हम मैम से शुरुआत करते हैं।
लिव होलिस्टिक के माध्यम से आप योगा क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, योगा के साथ साथ बहुत सारी थेरेपीज लाइक काउंसलिंग थेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डाइट थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज लिव होलिस्टिक के माध्यम से दी जाती है। और समय समय पर लिव होलिस्टिक के इस तरह की टॉक सीरीज, वेबिनार, सेमिनार, बहुत सारी चीजें लिव होलिस्टिक पर चलती रहती है। आप सभी पे कंटिन्यू रहने के लिए, जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, सभी जगह पर हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये बताइए कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे बॉडी के अंदर वर्क करता है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारा बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि एक सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए जब भी कोई भी फॉरेन बॉडीज, फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में जब भी अटैक करती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम में जो एंटीबॉडीज और एंटीजन होते हैं, जो कि WBC में फॉर्म्ड होते हैं, वो जाके उस जगह पे उस फॉरेन मटेरियल को नष्ट कर देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हिंदी में हम कहते हैं उसको, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यही होता है कि जो भी डिजीज आ रही है उसको रोक देना, प्रतिरोध कर देना, यही कैपेसिटी जो होती है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इज अ बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसके दो मेजर होते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो इननेट होता है, दूसरा जो होता है वो एक्वायर्ड होता है। इम्यून सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला जो मैंने बताया इननेट होता है, दूसरा जो होता है एक्वायर्ड होता है। जो इननेट होता है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हमारे बर्थ के टाइम से होता है, वो इनहेरेंट होता है। जो दूसरा होता है एक्वायर्ड होता है, वो हमारे बॉडी में डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे वो सेल्स का डेवलपमेंट होता है और एंटीबॉडीज बनती है, एंटीजन बनती है, एंड देन वो अटैक करती है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखा जाए तो हमारे बॉडी में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो बचपन से ही, हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे बॉडी में मौजूद होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम ये तीन चार चीजों पे बेसिकली सबसे अधिक काम करता है। जो पहला होता है वो होता है हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक मिनट, ये हमारे बॉडी सरफेसेस, जो हमारे बॉडी सरफेस होते हैं वहां वहां पे होता है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो सपोज दैट, जी, बोलिए मैम। वेट, मैम का नेटवर्क शायद चला गया है। तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि इम्यून सिस्टम हमारे रोग को लड़ने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसके लिए वर्क करता है, कि कोई भी रोग आता है तो वो उसे कितना उससे फेस कर पाता है, कितना उसे रोक पाता है। तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ऑब्वियसली नॉर्मल आदमी के लिए समझने की बात है कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा भी रोग आया वो लड़ नहीं पाया और रोग उसकी बॉडी में एंटर कर गया। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम का अगर हम बोले तो इम्यून सिस्टम का वर्क एक ऐसे शोल्डर की तरह होता है, जिस तरह सोल्जर्स हमारी जो भारत देश की या जिस भी देश की रक्षा करते हैं तो वो प्रतिरोधी को आने नहीं देते हैं। तो उसी तरह से इम्यून सिस्टम भी हमारे अंदर एज ए सोल्जर की तरह काम करता है, रोग को आने से बचाने के लिए। जी मैम, कंटिन्यू करिए। तो मैं आपको बता रही थी कि इम्यून सिस्टम के बारे में, तो अगर हम देखा जाए तो इम्यून सिस्टम का जो वर्ड है लैटिन वर्ड, वो निकला है इम्यूनिस। इम्यूनिस का मतलब होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रही है उसको रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना, उसको हटा देना, रिमूव कर देना, उसका मतलब हो गया एग्जेम्प्ट। हमारे बॉडी में आपको पता है कि WBC, जो कि बोन मैरो में उनका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो कहाँ कहाँ होती है, जो हमारे फ्लैट बोन्स होती है वहां हमारे बोन मैरोज होती है। उस बोन मैरो में WBC का फॉर्मेशन होता है। WBC को ग्लूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो एक अडल्ट हेल्दी इंसान में 4,000 से लेकर 11,000 तक WBC मौजूद होती है, ठीक है, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में। तो उसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स है, वो ल्यूकोसाइट्स के 5 टाइप्स हैं अगर आप लोगों को पता, न्यूट्रोफिल, इसनोफिल,
लिम्फोसाइट्स, इस तरह से वो उनके 5 टाइप्स हैं। तो जितने भी हैं वो सब बेसिकली उनका एक ही काम होता है कि जितने भी जो कहा जाता है फॉरेन बॉडीज हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको क्या करना, डिटेक्ट करना, पहचानना कि वो कहाँ पे हैं। तो जितने भी हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ब्लड में फ्लो करते रहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते रहते हैं। और जैसे ही जहाँ पे भी उन्हें डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे कोई माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया हमारा अटैक कर रहा है, वो तुरंत आके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारे बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल होते हैं, पता है मिलियन बिलियन वैसे ट्रिलियन, तो 37.2 ट्रिलियन सेल होती है। मतलब मान के चलो कि हमारा बॉडी में इतना ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है कि उतना कि हमारे अभी तक पूरे देश में भी नहीं है। देश में तो कितने अटैक हो जाते हैं, लेकिन हमारा बॉडी इतना सिक्योर है कि हम हर दिन कितने सारे चीजों के कनेक्शन में आते हैं जो कि बिल्कुल भी कह सकते हो कि हाइजीन से बहुत दूर दूर की चीजें होती है। हम जहाँ पे भी हम रहते हैं वो सरफेस बड़े पूरा क्लीन होता है, हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे कितने सारे माइक्रोब्स घूम रहे होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में इतनी क्षमता होती है कि हम हमेशा पूरे टाइम उस चीज से लड़ते रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 37.2 ट्रिलियन जो सेल होते हैं उस हर एक सेल में अपना एक सेफ्टी गार्ड होता है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो। तो सेल मेम्ब्रेन में, सारे मेम्ब्रेन में, यानी 37.2 ट्रिलियन सेल उन सब में होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक में होता है, जबकि सेल कितनी छोटी इकाई होती है। तो उस सेल मेम्ब्रेन को पता होता है कि किस चीज को अंदर ले जाना है, सेल के अंदर ले जाना है, और किस चीज को सेल के अंदर नहीं ले जाना है, ठीक है। जैसे कि O2 है, जल है, तो वो अंदर जाएगा, CO2 है वो बाहर आएगा। उसके जो सरफेस होते हैं, सेल के जो सरफेस होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ माइक्रोब होते हैं वो इतने ज्यादा हायर सेंसिटिव होते हैं, इतने इन्फेक्टिव होते हैं वो, कि सीधे वो अटैक कर जाते हैं, ठीक है, वो सीधे अटैक कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बहुत चालाकी से चले जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में WBCs से ढूंढ ही लेते, डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर वो चले जाते हैं। जैसे वो सेल के अंदर चले जाते हैं तो तुरंत इंजाइम्स, जो हमारे सेल के अंदर इंजाइम होती है, वो तुरंत एक्टिवेट होती है और उनको नष्ट कर देती है। और नष्ट करने के बाद उनका एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके थ्रू वो सारे सेल्स को अलर्ट कर देती है, सारे सेल्स को अलर्ट कर देती है कि अभी कोई बाहरी जीव आया है और भी आएगा, तुम लोग सारे अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो जैसे वो सारे को अलर्ट करती है तो सारे सेल्स एक्शन मोड में आ जाते हैं। जब सारे सेल्स एक्शन मोड में आ जाते हैं तो वो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनाते हैं। इस चीज पे क्या कीजिएगा, वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनाते हैं। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर बनाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा DNA होता है, DNA समझो एक बुक्स की बुक की तरह होता है जो कि गाइड करता है कि कौन सी चीज कैसे होनी है। तो DNA से RNA और एंजाइम मिलके एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। वो RNA आपके जाता है राइबोसोम में, राइबोसोम जो फैक्ट्री है वहां बनता है, वहां से बन के वो गॉल्गी अपरेटस में जाता है, वहां वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाता है और जो जो पर्टिकुलर अटैक कर रहा है उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए कितनी लंबी प्रोसेस है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में इतनी एक्टिव रहती है WBC कि वो हर जगह घूमते रहती है, उसको नष्ट कर दिया। लेकिन अगर कोई कोई फॉरेन बॉडी जब बहुत अंदर, जैसे लंग्स के अंदर आ गया, अब लंग्स के अंदर आ गया तो उसको तो नष्ट करने के लिए मतलब कंप्लीट आर्मी चाहिए ना, सैनिक चाहिए, तो वो बनाते हैं बाउंड एंटीबॉडीज। समझ में आ गया। बट ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है, ये टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी होता है। जब जो टी सेल्स और बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। ये हुआ कि एक स्पेसिफिक चीज आया, उसको नष्ट करने के लिए हमारे न्यूक्लियस ने एंटीबॉडीज बनाया और वो नष्ट हो गया। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है। पहले तो होता है कि हमारा जो बेसिक एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में, काफी एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि हम फिजिकल लेवल पे अगर सिर्फ बात करें, जैसे स्किन, स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस होता है, तो बहुत सारी चीजें तो स्वेटिंग के थ्रू नष्ट हो जाती है, ठीक है। हमारे आंख में जो लाइजोजाइम होता है, तो अगर आंखों में कुछ पार्टिकल्स गया
वो टीयर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज को वो अंदर जाने ही नहीं देते, हमारे माउथ में कोई भी पार्टिकल जाता है तो वो स्लाइवा जो होती है, स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको नष्ट कर देते हैं। तो हमारा बहुत सारा काम जो होता है वो बॉडी की सरफेस ऑलरेडी कर देती है, ठीक है। लेकिन अब मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई ये सब तभी वर्क करता है जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, ठीक है। ये सब चीजें तभी वर्क कर सकता है जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, यानी आपके अंदर 11,000 जो कहा गया है WBC का एक आइडियल मेजरमेंट कहा गया, उतना होना चाहिए। जितनी WBC ब्रेक डाउन करेगी उतनी ज्यादा आपके अंदर इम्यूनिटी कम होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बाहरी फॉरेन बॉडीज माइक्रोब्स इतना ज्यादा एक्टिवेट होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो हमारे WBC को ब्रेक डाउन कर देता है। उस टाइम पर हमें WBC क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, गिर जाती है, नंबर ऑफ WBC बहुत कम हो जाता है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो डिफेंस कैसे करता है, तो पहले तो बॉडी सरफेस पर डिफेंस हो गया। दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होता है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, उसका अगर आप हिंदी मीनिंग देखो तो भक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, भक्षण प्रक्रिया, जिसमें कि WBC का एक टाइप है न्यूट्रोफिल, वो सबसे एक्टिवेट होता है। जैसे ही कोई भी माइक्रोब्स आता है, बाहरी पार्टिकल ये बैक्टीरियाज आते हैं, तो उसको वो खा जाता है, भक्षण कर लेता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। फिर तीसरा हमारा आ जाता है नेचुरल एंटी बायोमाइक्रोबियल सब्सटेंस। इसमें मैंने आपको बताया कि जो लाइजोजाइम हो गया आपका, स्लाइवा हो गया आपका, और आपका जो आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है उससे भी बहुत सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे जो आपके भोजन खाने के थ्रू जो आपके अंदर चले गए तो आपके एचसीएल के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर चौथा है आपका द इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कि इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, सब क्या होता है कि जैसे कि अभी तो आपका जो माइक्रोब्स है वो आपके नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू आपके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी हमें एक इंजरी हो जाती है, ठीक है, स्किन में कहीं पे कट कट हो गया, कहीं पे बर्न हो गया, जल गया, या कोई घाव हो गया, तो वहां पे ज्यादातर चांसेस होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो तुरंत आके वहां पे ना सेल्स को मल्टीपल करने लगते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अब एक रास्ता है जहां से हम बॉडी के अंदर जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा WBC आ जाती है। एट ए टाइम न्यूट्रोफिल और इसनोफिल एक्टिवेट हो जाती है और वहां पे जाके बैठ जाती है। वो कहती है कि अब तुम कैसे आओगे अंदर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन पार्ट होता है, फॉरेन बॉडीज होती है, वो काफी एक्टिवेट और पावरफुल होती है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू का भी ब्रेक डाउन कर देती है, हमारे WBC का ब्रेक डाउन कर देती है, इसलिए वहाँ पे पस सेल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और बॉडी में वो इंटर कर भी जाती है। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। तो मैंने आपको दो चीजें और बताया कि इननेट होता है और एक एक्वायर्ड होता है। इननेट में आपका होता है कि जो बाय बर्थ आपके अंदर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो मौजूद होता है। दूसरा होता है कि एक्वायर्ड में, कि आप उसको डेवलप करते हो अपने लाइफ स्टाइल, अपने डाइट, इन सब के थ्रू कैसे उसको डेवलप करते हो, ठीक है। फिर अब है एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इम्यून सिस्टम जो है वो 5 मेन फैक्टर पे काम करती है। सबसे पहला है कि आप अपने लाइफ में कितना हाइजीन मेंटेन करते हो, ठीक है। सबसे पहले चीज क्या है कि आप अपने लाइफ में कितना ज्यादा हाइजीन है उसको मेंटेन करते हो। दूसरा है कि स्लीप साइकिल, ठीक है, कि आप कितने देर तक नींद ले रहे हो। नींद लेने से क्या होता है कि जब आप सोते हो तो जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है आपके बॉडी में, तो इससे इम्यून रिस्पॉन्स काफी अच्छा हो जाता है। तीसरा है कि आपके बॉडी में स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का लेवल कितना है। चौथा है न्यूट्रिएंट्स, आपको फूड से कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। और पांचवा आपका फिजिकल एक्सरसाइज। ये जो 5 मेन फैक्टर है इनपे आपकी इम्यून सिस्टम वर्क करती है। समझ में आ गया? जैसे कि जी यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीज एंड हाउ योगा कैन डील विद इट। तो इस चीज का आंसर आप किस तरह देना चाहेंगे, व्हाट आर द ऑटो इम्यून डिजीज एंड हाउ योगा कैन डील विद इट। बिल्कुल, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। देखिए, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, एक क्वेश्चन आया था,
ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? इसमें जब खुद मतलब हमारा हमारा जो एंटीबॉडीज होता है और हमारे एंटीजन एक दूसरे को नष्ट करने लगते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा एंटीबॉडीज है वो हमारा फॉरेन जो एंटीजन है, जो माइक्रोब्स हैं, उनके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारा ही एंटीबॉडी है वो हमारे ही एंटीजन को नष्ट करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जो एक आपका थायराइड का ग्रेव्स डिजीज होता है वो हो गया। ठीक है, तो इसके ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है ऑटोइम्यून डिजीज का। डायबिटीज में सिर्फ यही एक फैक्टर है, डायबिटीज के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ऑटोइम्यून का एक ये भी फैक्टर है कि डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें आपके कौन सा योग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इम्यून रिस्पॉन्स और योग कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, कैसे निर्भर है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को हम योग के थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी मैम, जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे जो WBC है, ल्यूकोसाइट्स है, उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ठीक है, जगहों पे हमें ध्यान देना है, जिसके लिए आप पवनमुक्त आसन सीरीज 1 और 2, जो कि स्वामी सत्यनंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योगा आसन प्राणायाम मुद्रा बंध की बुक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पवनमुक्त आसन में जो जॉइंट्स मूवमेंट है, मणि का ये मणिबंध घूर्णन, जानु घूर्णन, जानु चक्र, इन सब के थ्रू आप अपने जॉइंट्स में कंप्लीट मूवमेंट करा सकते हो। दूसरा क्या है कि आपको पता है कि प्राणायाम से हमारा जो टॉक्सिक मैटर है वो बाहर निकल जाता है। हमारे जो सेल में सेल के अंदर और लंग्स के अंदर CO2 और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज का प्रक्रिया होता है, उन सब के लिए प्राणायाम बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम जितना ज़्यादा अपने अंदर O2 को इनटेक करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा सेल हेल्दी होगा, उतना ही हमारा जो माइक्रोब्स है वो हमारे सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो 2 चीजें हो गई, एक तो आप जॉइंट मूवमेंट के थ्रू, और जो मस्कुलोस्केलेटन, जो कहते हैं कि हम जब योग करते हैं तो हमारे मस्कुलोस्केलेटन पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसके थ्रू अपने बोन मैरो और WBC को हेल्दी रख सकते हो, WBC के नंबर को मेंटेन रख सकते हो। दूसरा, प्राणायाम के थ्रू अपने सेल को, अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस की, तो नॉर्मली जैसे सर्दी खांसी से जो भी वायरस फैलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके पहले कभी कोई वायरस आया नहीं है या इसके पहले कभी किसी वायरस से लोग शिकार नहीं हुए हैं, है ना। जो फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है, वो भी एक बैक्टीरिया वायरस के थ्रू ही होता है। लेकिन क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं फैलते हैं, ठीक है, वो इतने कह सकते हैं हम उनको कि हाई इन्फेक्ट, ये उनका उतना जो रैपिड होता है उतने जल्दी जल्दी वो नहीं फैलते हैं। जितना ज्यादा ये हमारा कोरोना वायरस फैलता है, ये हाई इन्फेक्टिविटी रेट है इसका, ठीक है। तो कोरोना वायरस में क्या होता है, ये सीधे लंग्स पे हमारे नाक के थ्रू जाता है और सीधे हमारे लंग्स पे ये इफेक्ट डालता है। इससे इससे हमारे सबसे अधिक रिस्पायरेटरी डिजीज जो होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आपने अगर उसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो कुछ स्पाइक, नुकीला सा कुछ निकला हुआ है, ठीक है, जो नुकीला सा निकला हुआ है वो हमारे लंग्स के जो ब्रांच है उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो इससे वहां पे एक होता है ना, उसको रहने का, चिपकने का एक स्थान मिल गया, तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। जितना ज्यादा आपका जो माइक्रोब्स होगा मल्टीप्लाई होगा, उतनी ज्यादा वो आपके बॉडी को हार्म करेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग मैसेज में बताना कि जैसे कि कोई भी वायरस अटैक करता है हमारे बॉडी में, तो अलग अलग जो हमारी एंटीबॉडीज जो होती है, वो 5 टाइप्स की हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, 5 टाइप्स की, जिसमें जो 3 टाइप होते हैं वो मेन होते हैं। तो हमारे कौन सी एंटीबॉडीज पे वो नुकसान पहुंचाता है, कोई बता सकता है? जो कोरोना वायरस है वो कौन सी एंटीबॉडी को इफेक्ट करता है? जी मैम बिल्कुल, जब तक बाकी लोग बताते तो आप कंटिन्यू करिएगा, जो भी लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, तो
तो आप भी कंटिन्यू करिएगा मैम। देखिए, जो एंटीबॉडीज की जो 5 टाइप्स हैं वो है IgG, IgA, IgE, IgD और IgM। ये ए जी डी ई एम ये सब क्या है, उनका टाइप्स है। और IG का जो फुल फॉर्म है वो है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो जो हमारा कोरोना वायरस है वो IgG और IgM इन दोनों पे अटैक करता है। ठीक है, जो 5 एंटीबॉडीज, सॉरी अटैक नहीं करता है, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। जो हमारा IgG है और IgM है, ये दोनों ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो IgM है वो टिश्यू लेवल पे होता है और जो IgG है वो ब्लड पे होता है। ठीक है, ब्लड में होता है। तो जो कोरोना वायरस है ये हमारे ब्लड और टिश्यू पे ही अटैक करता है, तो इसीलिए IgG और IgM जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिवेट हो जाती है। क्लियर हो गया? 5 एंटीबॉडीज में ये दोनों एक्टिवेट हो जाती है। तो मैम, योगा के साथ साथ और कौन सी ऐसी थेरेपीज हो सकती हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे बॉडी के पास सब कुछ है, वो कंप्लीट सिक्योर करने का एक रखती है, कैपेसिटी रखती है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर किसी को किसी सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कफ सिरप लिया, दवा लिया, जो सिम्टम है हम लोग उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए कि वो एक्यूट डिजीज का एक सिम्टम है। वो क्या है, एक्यूट डिजीज का एक सिम्टम है कि वो हमारे अंदर जो भी टॉक्सिक मैटर जमा हुआ है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चले गए, उसको बाहर निकालना चाहती है बॉडी, उसको बाहर निकालना चाहती है, लेकिन हम उसको निकालने नहीं देना चाहते हैं, हम मेडिसिन लेके उसको सप्रेस कर देते हैं। तो पहले तो हमें अपने बॉडी सिस्टम को समझना है कि अगर हमें फीवर हो रहा है तो स्वेटिंग के थ्रू टॉक्सिक मैटर बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो ये सब जो पंचकर्म और जो नेचुरोपैथी होता है, जो आप थेरेपी की बात कर रही हैं, इसमें ये चीज होता है कि नेचुरोपैथी और पंचकर्म में हमारे सिम्टम्स को दबाया नहीं जाता है। सिम्टम उखाड़ के फेंक देते हैं। और योग के अलावा, योग तो मैं बताऊंगी ही आपको, योग के अलावा इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो मैंने लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बता दिया कि स्लीप साइकिल होनी चाहिए, 6 to 7 आवर, स्ट्रेस कम लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है वो डाइट्री है, डाइट्री थेरेपी। ठीक है, इसमें आपको 4 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो ऐसे तो हमारे बॉडी के लिए कंप्लीट बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली अगर इम्यूनो रिस्पॉन्स को हमें अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6, जिंक, आयरन, ये 4 5 चीजें हैं जो कि आपको अपने डाइट में बहुत ज्यादा इंक्लूड करना होगा। विटामिन सी का जो हाईएस्ट आप कह सकते हैं, ब्रोकली है, टोमेटो है, स्ट्रॉबेरी है। विटामिन ए में एग हो गया आपका, ग्रीन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। ठीक है, विटामिन ई में आपका आलमंड हो गया, बादाम, सनफ्लावर ऑयल हो गया। फिर विटामिन B6 में सोयाबीन हो गया, जिंक में मशरूम हो गया, आयरन के लिए जैगरी और पालक, बीन्स, पिस्ता। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। तो अब कुछ योगा है, योग जिसके थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको इस योगा को एक थियोरेटिकल वे में बताऊंगी, प्रैक्टिकल वे में नहीं बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राणायाम, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अगर अकॉर्डिंग टू श्री राम शर्मा सर, उनके अकॉर्डिंग में बताऊं तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स से 3 बार इनहेल करना है, लेफ्ट से ही 3 बार एक्सहेल करना है, राइट से 3 बार इनहेल करना है, राइट से ही 3 बार एक्सहेल करना है। ठीक है, फिर जो 7th स्टेप में होता है, मैंने तीन तीन बार दोनों स्टेप से बता दिया। फिर आपको 7वें में क्या करना है, दोनों नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और अपने माउथ से एक्सहेल करना है। क्लियर हो गया? फिर मैंने पवन मुक्त आसन के कुछ कुछ चीजें बताई, जिसमें कि आपका क्या क्या हो गया। सबसे पहला जो हो गया पवन मुक्त आसन सीरीज 1 और सीरीज 2, इन दो को आपको जरूर करना है। प्राणायाम में जो कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। नॉर्मली हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, लोग कहते हैं ना कि प्राणायाम करने का क्या बेनिफिट है, हम इनहेल एक्सहेल तो कर ही रहे हैं अपने जीवन के लिए, श्वास के लिए, लेकिन जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स की कंजम्पशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक
ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो अधिक से अधिक टॉक्सिक मैटर बाहर निकलते हैं, तो आधा काम तो आपका प्राणायाम ही कर दे रही है। दूसरा क्या होता है, आपको पता है कि जितना ज्यादा हम जो हमारी बॉडी है वो ऑलरेडी एक हीलर है, ठीक है, सबसे नेचुरल हीलर वही है, तो हम अगर बॉडी के लिए थोड़ा सा भी अवेयरनेस दिखाते हैं तो बॉडी 75 से 80% काम खुद ही कर लेगी, हमें कुछ भी एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम योग करते हैं, आपको पता है कि हमारे योग करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कितनी वृद्धि होती है, ठीक है, तो हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहेगा तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो हमारा बाउंड एंटीबॉडीज बनता है उसमें डीएनए ये सब आरबीसी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब तक हमारा सेल हेल्दी नहीं रहेगा, सर्कुलेशन हेल्दी नहीं रहेगा, तब तक एंटीबॉडी एंटीबॉडीज कैसे फॉर्मेशन होगा, कैसे काम करेगा, ठीक है। तो जो योगा एक्सरसाइजेज है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखती है। तीसरा क्या होता है, जो मेडिटेशन योग प्राणायाम मुद्रा बंद करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होता है। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्टिसोल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो हार्मोन, जब भी हम लोग स्ट्रेस लेंगे तो कार्टिसोल हार्मोन है वो हमारे बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा वो इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कुछ भी हमारे बॉडी में अटैक किया तो न्यूट्रोफिल तुरंत एक्टिवेट हो गया, वो अपने आप में कम्युनिकेट कर लेते हैं, वहां पे सारे डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट सब कुछ जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है तो आप कार्टिसोल लेवल बढ़ रहा है तो इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें योग एक्सरसाइज के थ्रू अपने अंदर के स्ट्रेस हार्मोन को कम करना है, ठीक है, इससे अधिक से अधिक इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बढ़ेगा। ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि प्राणायाम, स्ट्रेस और योग एक्सरसाइज में आपको जो ज्वाइंट मूवमेंट हो गया जिससे बोन मैरो इफेक्टेड हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको आपको करना है। जी मैम बिल्कुल, और दर्शकों को मैं एक बात और बता दूं कि जो भी चीजें मैम ने अभी बताई है, तो आपको अगर इनका प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए तो आप अपनी वॉलिस्टिक से जुड़ सकते हैं, वहां से प्रैक्टिकल गाइडेंस ले सकते हैं, और पवन मुक्त आसन सीरीज 1 और 2 देखने के लिए आप तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां पे ये फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहां से भी देख के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैम एक गृह ब्रह्मचारी की भी, हाँ एक गृह ब्रह्मचारी की भी है, उनकी भी आप लोग देख सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें जानु शक्ति विकाशक, कपोल शक्ति विकाशक, उन्होंने सारे जॉइंट्स के बारे में बताया है। पायल आप कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रही हैं जी। मैम एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि जैसे कि आपने योग और प्राणायाम की इतनी सारी प्रैक्टिसेस बताई, बट अभी की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि टाइम नहीं है किसी के पास भी, तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो 15 से 20 मिनट में कोई भी जो ऑफिस गोइंग आदमी है वो इस चीज को फॉलो करके और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सके, तो ऐसी क्या क्या प्रैक्टिसेस, कैसे कोई भी पर्सन जो ऑफिस जाता है वो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है कम से कम टाइम में योग करके? बिल्कुल, सबसे पहली चीज है कि आप लोगों ने अगर टी सेल का नाम सुना होगा जो कि टी लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी दो कैटेगरी में बांटती है एंटीबॉडी एंटीजन को बनाने के लिए, जो कि है टी सेल्स और बी सेल्स। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सनलाइट। आप 5 से 10 मिनट सनलाइट के पास खड़े हो जाओ, पूरी की पूरी बॉडी की टी सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस तो आपकी ये हो गई। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे कि अभी ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं, तो देखा गया है जो ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं कि जितना से जितना वो लोग कैन फूड, मतलब जो कि कैन में होते हैं, प्लास्टिक के उसमें बंद होते हैं, वो चीज ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि आप एक्सरसाइज तो करो, एक्सरसाइज आपकी बॉडी को मेंटेन करेगा, लेकिन मेन जो चीज है वो डाइट, डाइट आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है, डाइट आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अगर आप 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकाल भी ले रहे हो, लेकिन अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, किसी भी काम में आप मतलब एक कॉर्पोरेट पर्सन हो, आजकल हर एक लोग बिजी अपनी लाइफ में, कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर आप पूरा फोकस अपने काम में दे रहे हो और अपनी डाइट को इग्नोर कर रहे हो, पैकेट फूड खा रहे हो, तो कितना भी एक्सरसाइज कर लो कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे एंशियंट बुक्स में भी कहा गया है कि मिताहार, ठीक है, मिताहार पे सबसे अधिक फोकस किया गया है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे कि मैंने देखा है कि वो लोग पानी की जगह सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो स्प्राउट्स की जगह वो लोग चिप्स यूज करते हैं,
ठीक है, तो उसको अवॉइड करो। जो भी चीजें वो आराम से बैठ के खा सकते हैं, काम करते करते बर्गर खा लिया, मतलब उनको कहीं उठने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा वाला करते हैं। तो अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो, चेयर पर्सन जिसको मान के चलो कि चेयर पे बैठ के अपनी पूरी लाइफ निकालनी है ना, तो अगर उस तरह के पर्सन हो तो उनमें सबसे अधिक ये चांसेस होते हैं। अडल्ट होते हैं मतलब 25 से 30 वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ 40 45 वाले इंसान होते हैं, 35, तो उनका जो कहते हैं मेटाबॉलिज्म रेट वो भी कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी लो हो जाता है, तो उनका जो उनके अंदर डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये सब बढ़ जाता है तो ऑलरेडी क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो पूरा पूरा अपने बॉडी को टाइम दो, जैसे कि आप हर आधे घंटे के बाद पूरा मूवमेंट करो, हर आधे घंटे के पूरा मूवमेंट करो। मान लो कि आप एक्सरसाइज के लिए अलग से नहीं जा सकते हो, चेयर पे बैठे हो, तो आप एटलीस्ट हाथों का मूवमेंट तो कर सकते हो, अपने नेक का मूवमेंट तो कर सकते हो, अपने ट्विस्ट तो कर सकते हो, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, कटी चक्रासन, ये सब तो कर सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप पांच, आजकल तो जितने भी अगर अच्छे अच्छे जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो उन लोगों ने भी योगा इंस्ट्रक्टर हायर करना शुरू कर दिया है सुबह शाम के सेशन के लिए। पर अगर मान लो कि वो कुछ कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो आप हर एक घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद जरूर से अपने थाई मूवमेंट और अपना वेस्ट मूवमेंट, कमर का मूवमेंट जरूर करो। ठीक है, बहुत ऐसा होता है कि कहते हैं खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो खाने के बाद आप एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसा चीज नहीं कर सकते, जैसे मान लो आपने खाया और प्रोन लाइन पोजिशन में लेट गए, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन आप खाने के बाद अपने बॉडी का स्ट्रेचिंग तो कर सकते हो, स्ट्रेचिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। डांस में क्या करते हैं, स्ट्रेच तो करते हैं, तो स्ट्रेच कर सकते हो अपनी बॉडी को, थोड़ी देर खड़े हो गए, ताड़ासन कर लिया, तिरिक ताड़ासन कर लिया, कटी चक्रासन कर लिया। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग ही सब पे है कि हम लोग चलते हैं तो हमारा पूरा का पूरा हमेशा ब्लड फ्लो इस तरीके से होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल के कारण हमारा ब्लड फ्लो ऐसे होता है। तो हर एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए इन्वर्टेड पोजेस करने चाहिए। इन्वर्टेड पोज में क्या होता है, उस टाइम पीरियड में हमारा जो माइंड है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेन चीज के हमारे हमें अपने माइंड में सर्कुलेशन बढ़ाना है। ठीक है, हेल्दी रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें अपने माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, तो आप अपने इन्वर्टेड पोज कर सकते हो। चलो मान लो आप ये सब को भी इग्नोर कर दो कि वो सब भी लोगों के पास नहीं होता है, तो आप चेयर बैठ के प्राणायाम तो कर सकते हो। प्राणायाम से क्या होता है, बॉडी लाइट होती है ना, प्राणायाम कर सकते हो। स्ट्रेस रिमूव करने के लिए 5-10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो आप, समझ में आया? जी बिल्कुल, तो जी मैम अगर बिल्कुल, इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, उस 10-15 मिनट में ही अपने बॉडी को पूरा मूव करा सकता एग्जैक्टली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि इंसान के चाह के शुरुआत करने की जो कमी होती है वहीं पर है। हम लोग करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया हमें कि किस तरह इम्यून सिस्टम वर्क करता है, किस तरह योगा हेल्प करता है, और जिस तरह मैम ने बताया कि ऑफिस जाने के बावजूद भी आप कम से कम टाइम में किस तरह छोटे छोटे टेक्निक्स को अपने डेली रूटीन में अपनाकर अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। तो होप तो कि आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैम हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू आकांक्षा मैम, एंड थैंक यू सो मच। और हम अगले बुधवार को फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, लिव होलिस्टिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।